विधानसभा आम चुनाव में भाजपा को कड़ी टक्कर देकर मजबूत विपक्ष की रचना करने वाली अखिलेश और जयंत की जोड़ी ने सत्तारूढ़ दल को मात देने के लिए नए फॉर्मूले पर काम किया है। इस फॉर्मूले को इस जोड़ी ने उपचुनाव में अपनाकर सफल प्रयोग भी किया, जिससे मैनपुरी और खतौली उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल की। अब इस फॉर्मूले को समूचे प्रदेश में अप्लाई करने की तैयारी में अखिलेश यादव हैं। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर व खतौली विधानसभा उपचुनाव के नतीजे गुरुवार 8 दिसंबर को घोषित हो गए। मैनपुरी सीट पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने बड़ी जीत दर्ज की, तो वहीं आजम खान के गढ़ रामपुर में बीजेपी ने किला फतह कर दिया, जबकि बीजेपी की मजबूत सीट रही खतौली में आरएलडी गठबंधन ने जोरदार जीत हासिल की है। विधानसभा चुनाव के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव और आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी से दलित नेता चंद्रशेखर आजाद की दोस्ती बनते बनते रह गई थी, लेकिन उपचुनाव में तीनों नेता साथ आए। इस तरह से सपा आरएलडी का बैकवर्ड दलित और मुस्लिम को साथ रखने का फार्मूला उपचुनाव में हिट रहा। सपा की नई सोशल इंजीनियरिंग उपचुनाव में सियासी संजीवनी बनी और उसके चक्रव्यूह में फंसकर बीजेपी को मात खानी पड़ गई। यूपी के नगरीय निकाय और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले संपन्न हुए मैनपुरी, रामपुर और खतौली उपचुनाव पर देश भर की निगाहें लगी हुई थी। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के निधन के चलते उपचुनाव था। आजम खान और विक्रम सैनी को कोर्ट से सजा मिलने के चलते रामपुर और खतौली पर उपचुनाव हुआ था। उपचुनाव भले ही उत्तर प्रदेश में 3 सीटों के लिए हुए हों, लेकिन इसका असर भविष्य की सियासत पर पड़ना तय है। सपा के सबसे मजबूत दुर्ग मैनपुरी रामपुर को ढहाकर बीजेपी यूपी फतेह का संदेश देना चाहती थी, जबकि खतौली सीट पर बीजेपी को मात देने के लिए आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने सियासी चक्रव्यूह रचा था। उपचुनाव में बीजेपी ही नहीं बल्कि अखिलेश, जयंत और चंद्रशेखर की एकता का भी टेस्ट था, जिसमें वे सफल भी हुए। शिवपाल यादव ने मैनपुरी में डेरा जमाए रखा, तो चंद्रशेखर ने रामपुर में सपा और खतौली में आरएलडी के लिए प्रचार किया। उपचुनाव में मायावती के कैंडिडेट न उतारने का लाभ मैनपुरी में सपा को तो खतौली में आरएलडी को मिला, लेकिन रामपुर में बीजेपी इसका फायदा ले गई। जयंत चौधरी ने बनाया नया फॉर्मूला। जयंत चौधरी ने जाट मुस्लिम तक अपनी पार्टी को सीमित रखने के बजाय पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण को देखते हुए खतौली सीट पर नया राजनीतिक प्रयोग किया। आरएलडी ने खतौली सीट पर सैनी समुदाय का कैंडिडेट उतारने के बजाय गुर्जर समुदाय के मजबूत नेता मदन भैया को उतारा और चंद्रशेखर आजाद के जरिए दलित समुदाय के वोटों को साधने का दांव चला। जयंत चौधरी का ये प्रयोग खतौली की सियासी जमीन पर बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन गया। योगी आदित्यनाथ सहित बीजेपी के तमाम नेताओं की फौज ने खतौली सीट पर प्रचार किया, लेकिन वे पार्टी उम्मीदवार राजकुमार सैनी को जीत नहीं दिला सके। खतौली सीट मुजफ्फरनगर जिले में आती है और बीजेपी 2 बार से ये सीट जीत रही थी। मुजफ्फरनगर दंगे मामले में सैनी को सजा हुई है, जिसके चलते उनकी सदस्यता समाप्त की गई। ऐसे में बीजेपी के लिए ये सीट काफी महत्वपूर्ण थी। इस सीट पर जाट, गुर्जर, सैनी और मुस्लिम मतदाता बड़ी तादाद में है। इसी समीकरण को देखते हुए जयंत ने इस बार सैनी और मुस्लिम के बजाय गुर्जर उम्मीदवार पर दांव खेला था। इस तरह जयंत ने अपने सियासी कॉम्बिनेशन को मजबूत करने की रणनीति अपनाई और उन्होंने मदन भैया के जरिए गुर्जर मुस्लिम जाट समीकरण बनाया। मैनपुरी में अखिलेश का दांव रहा हिट। अपने पिता मुलायम सिंह यादव की कर्मभूमि रही मैनपुरी सीट को बचाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। डिंपल यादव के नामांकन के बाद से अखिलेश यादव ने मैनपुरी में डेरा जमाए रखा और चाचा शिवपाल यादव के साथ अपने सारे गिले शिकवे दूर कर उन्हें भी मैनपुरी के सियासी समर में झोंक दिया। बीते चुनाव में 1-2 सभाएं करने वाले सैफई परिवार ने इस बार गांव-गांव की दौड़ लगाई और घर घर जाकर वोट मांगे। इस तरह मैनपुरी सीट पर अखिलेश का डिंपल को उतारने का दांव हिट रहा। मैनपुरी सीट पर अखिलेश और शिवपाल न सिर्फ यादव और मुस्लिम वोटों को बल्कि ब्राह्मण, गैर यादव, ओबीसी और दलित समुदाय के वोटों को भी साधने के लिए कवायद करते नजर आए। उपचुनाव में कांग्रेस और बसपा ने अपने कैंडिडेट नहीं उतारे थे, ऐसे में दलित वोटों के बीजेपी के पक्ष में जाने की संभावना अधिक दिख रही थी, लेकिन अखिलेश ने दलित समुदाय से लेकर तमाम अलग अलग जातियों को जोड़े रखने के लिए खुद मोर्चा संभाल रखा था। महिला वोटर्स को साधने के लिए डिंपल यादव खुद पसीना बहा रही थी। सपा का गढ़ माने जाने वाले ज्यादातर लोकसभा क्षेत्रों पर बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा चुकी है। कन्नौज, फिरोजाबाद, बदायूं, इटावा, आजमगढ़ और रामपुर जैसे इलाके जिनमें शामिल हैं। मैनपुरी सैफई परिवार की घर की सीट मानी जाती है। यही वजह है कि बीजेपी यह सीट जीतकर पूरे देश में यह नया संदेश देना चाहती थी, जिसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कई बार प्रचार करने के लिए आना पड़ा, तो केशव मौर्य सहित तमाम बीजेपी के नेताओं ने यहां डेरा जमाए रखा था। लेकिन अखिलेश शिवपाल की जोड़ी ने बीजेपी को मैनपुरी सीट पर कमल खिलाने के लिए सफल नहीं होने दिया। शिवपाल ने अपनी विधानसभा क्षेत्र जसवंत नगर से डिंपल यादव को
2 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दिलाई है। रामपुर में खिला बीजेपी का कमल। रामपुर विधानसभा सीट सपा की मजबूत सीट मानी जाती थी। सपा ने आजम खान की सीट से आसिम रजा को मैदान में उतारा तो बीजेपी से आकाश सक्सेना मैदान में थे। बीजेपी आजम के तमाम करीबी मुस्लिम नेताओं को अपने साथ मिलाने में सफल रही थी। रामपुर लोकसभा सीट को बीजेपी पहले ही अपने नाम कर चुकी थी और अब विधानसभा सीट पर भी कब्जा कर लिया है। रामपुर में कमल खिलने से सपा के साथ साथ आजम खान को बड़ा झटका लगा है। आजम के तमाम सिपह सालारों के बीजेपी खेमे में खड़े होने के चलते रामपुर सीट को बचाए रखना सपा को मुश्किल लग रहा था। आखिरी वक्त में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने रामपुर में पहुंचकर आजम खान का हौसला बढ़ाया और मुस्लिम वोटों के साथ साथ दलित समुदाय को भी साधने की कवायद की। हालांकि बीजेपी के दाव और सत्ता में रहने का उसे लाभ मिला जबकि सपा को इसी का नुकसान उठाना पड़ा। अखिलेश जैन चंद्रशेखर की नई जोड़ी। अखिलेश जैन चौधरी के साथ चंद्रशेखर आजाद का उपचुनाव में साथ आना यूपी के नए बनते समीकरण की ओर इशारा कर रहा है। अखिलेश जैन चौधरी चंद्रशेखर की तिकड़ी आगामी लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर उतरते हैं तो यूपी में बीजेपी और बीएसपी दोनों के लिए राजनीतिक तौर पर कड़ी चुनौती हो सकती है, खासकर पश्चिमी यूपी में जहां जाट मुस्लिम दलित वोटर निर्णायक भूमिका में है। आरएलडी का कोर वोट बैंक जाट माना जाता है तो सपा का मुस्लिम। दलित वोट बैंक के लिए चंद्रशेखर ट्रंप कार्ड साबित हो सकते हैं। इसके अलावा खतौली के वहाने गुर्जर समुदाय को भी साथ जोड़ने की कोशिश जैन द्वारा की गई है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी में जाट मतदाता 20% के करीब है तो मुस्लिम 30-40% के बीच है और दलितों की आबादी 25% से ऊपर है। इसके अलावा यूपी में गुर्जर भले ही 3% हों लेकिन पश्चिमी यूपी में 15% के करीब है। इस तरह से पश्चिमी यूपी में अगर जाट मुस्लिम दलित गुर्जर का समीकरण बनता है तो बीजेपी के साथ साथ बसपा के लिए भी चुनौती खड़ी हो जाएगी। एक तरह से सपा आरएलडी की बैकवर्ड दलित और मुस्लिम की नई सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी के लिए नई चुनौती बन सकती है। विजय बघेल, सी न्यूज़, आगरा।